हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बहुत तरीके का होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, फाउंड एंड लॉस्ट, मैट्रिमोनियल, प्रॉपर्टी, तो बहुत तरीके का एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और आज जो करने वाला हूँ ये क्वेश्चन के ऊपर करने वाला हूँ, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सिचुएशन वैकेंट वाला है या फिर सिचुएशन वांटेड वाला है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। यू आर ए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आप एक कॉमर्स के ग्रेजुएट हो एंड रिक्वायर ए जॉब, और आपको क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर पे आप एक इश्तेहार दीजिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दीजिए। गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, और वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दे दीजिए, मतलब आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिचुएशन वांटेड वाला होगा, है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिचुएशन वांटेड, ठीक है ना। तो हेडिंग तो डाल दिया आप लोगों ने, सिचुएशन वांटेड वाला, ठीक। अभी स्टार्टअप यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से फर्स्ट लाइन, और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो लोग पढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना छोटा बनाओगे, ठीक है, उतना लोगों में इंटरेस्ट आएगा, वो पढ़ेगा। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, है ना, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिस वगैरह दिया जाता है, जितना बड़ा न्यूज़ होता है वो आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन छोटा इंटरेस्टिंग अगर होगा तो आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपका ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो आपने क्या लिखा, ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, मतलब मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर ग्रामर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, इतने में सब समझ में आ गया। कोई भी पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो, ठीक है। उसके बाद सिक्स ए सुइटेबल, सिक्स ए सुइटेबल जॉब, और आपको क्या चाहिए, सुइटेबल जॉब चाहिए। इन ए रिपोर्टेड फार्म और ए बैंक, आपके फार्म में, कंपनी में नहीं तो एक बैंक में आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। टू वर्क एज एन, किस हिसाब से काम करना है आपको, अकाउंटेंट के हिसाब से, जो कि आप कॉमर्स से हो, है ना, अकाउंटेंट और क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप डालेंगे, ठीक है। किस हिसाब से काम करना चाहते हो, अकाउंटेंट नहीं तो क्लर्क, जो कि आप कॉमर्स सेक्शन से हो। उसके बाद आप लिखोगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार काम करना चाह रहे हो, है ना, लेकिन आपके पास गुड नॉलेज है, जैसे कि आपके पास जो नॉलेज है वो डाल दीजिए, गुड नॉलेज। किसके ऊपर गुड नॉलेज है आपको, किसका गुड नॉलेज है, इंग्लिश का, जैसे कि आप इंग्लिश डाल सकते हो, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है अच्छे तरह से, हिंदी भी बोल लेता हूँ या फिर टाइपिंग कर लेता हूँ आसानी से, तो टाइपिंग का आपका गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, टाइपिंग दे दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए आप वो भी लिख सकते हो, कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल, यहाँ पर आप डाल सकते हो रुपीस 10,000, कम से कम 10,000, मिनिमम 10,000 पीएम, मतलब पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट, जैसे कि आपका जो एड्रेस हो, जैसे कि 1/2 ए न्यू मार्केट, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, पिन नंबर भी डाल सकते हैं आसाम, और उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए आप लोग, 7860001, ठीक है। देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, बस इतना सा ही लिखना है, इजी है ना आपके लिए, देखिए कितना इजी है। ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, सिक्स ए सुइटेबल जॉब इन ए रिप्यूटेड फर्म और ए बैंक, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट और क्लर्क, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल, रुपीज़ 10,000 पर मंथ, कॉन्टेक्ट ये दे दीजिए, कॉन्टेक्ट फोन नंबर भी डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है।
आपका फ़ोन नंबर भी डाल दीजिएगा, ठीक, क्योंकि कोई अगर आपका ये सिचुएशन वांटेड वाला एडवर्टाइजमेंट देखेगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, है ना। तो यही है, अगर अच्छा लगा तो बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।